गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मुंबई में आठवां दिन ब्लॉग एट का डे है और आज मैं जा रहा हूँ मेरे पुराने दोस्त कह सकते हैं, मेरे स्ट्रगल टाइम में मेरे साथ में थे, उनसे मिलने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं जिनसे मिलने जा रहा हूँ, नेटवर्क का नाम है करमवीर चौधरी। स्ट्रगल टाइम पर वो मेरे साथ में थे, मेरे साथ में जाते थे, कभी कभार वो मेरे रूम पर ही रुक जाया करते थे। तो स्ट्रगल टाइम में हम दोनों ने साथ में काफ़ी वक्त बिताया और हमने एक दो प्रोजेक्ट भी साथ देखे। एक सीरियल पे लाइफ ओके पे सीरियल आता था, उसका पक्ष उस पर एक स्टोरी के अंदर उन्होंने मेरे फादर इन लॉ का रोल प्ले किया था। और एक मैंने फिल्म की थी एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गोरैया फिल्म, जिसमें उन्होंने मेन फिल्म का किरदार दुआ का किरदार निभाया था। तो ऐसे दो तीन प्रोजेक्ट है जिसमें हम दोनों ने साथ में काम किया है। आज हम उन्हीं एक्टर से मिलने जा रहे हैं। अभी मैं फ़िलहाल वर्सोवा में हूँ और वर्सोवा से मलाजा जाने के लिए एक जेटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब जेटी क्या होती है, तो चलिए अब हम चल रहे हैं वर्सोवा जेटी पर, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जेटी क्या होती है। दोस्तों इस वक्त हम वर्सोवा जेटी पर खड़े हैं और जो सामने का छोर नज़र आ रहा है वो है मड़का जेटी। मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए इस नाव का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वक्त हम जेटी में बैठ चुके हैं और अब हम वर्सोवा से जाएंगे मड़की से। हम पहुंच चुके हैं उनकी बिल्डिंग के नीचे हैं। अभी हम मिलते हैं करमवीर चौधरी जी से। हम लिफ्ट के अंदर हैं और अब हम जा रहे हैं करमवीर चौधरी जी से मिलने, जिनका फ्लोर नंबर है 14, 1401 नंबर फ्लैट में वो रहते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मेरे अजीज और शानदार एक्टर करमवीर चौधरी जी के पास में। और स्ट्रगल टाइम पे हमारे साथ में थे, हम बहुत बार ऑडिशन देने साथ में जाते थे और मतलब इनके साथ हमने दो तीन प्रोजेक्ट भी किए हैं। तो आज मैं इनसे मिला हूँ काफ़ी सालों बाद, वरना फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे तो बात होती रहती थी, लेकिन आज इनसे लाइव इनको देखने का मौका मिला, आज इनसे मिलने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके। अब सर से जानते हैं कुछ, बताइए सर क्या कहना चाहिए। अशोक जी और हमने स्ट्रगल साथ में शुरू किया था, लेकिन ये क्या है कि कुछ पारिवारिक परिस्थिति की वजह से ये वापस अपने गांव लौट गए, लेकिन हम यहाँ जमे रहे। हमने काफी काम साथ में किया है और ये गंगानगर के वो होनहार लड़के हैं जो यहाँ पे जब मुंबई स्ट्रगल कर रहे थे तो इन्होंने बहुत लोगों की अपने हिसाब से मदद की है। दिल के अच्छे हैं और वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, अब अपने हिसाब से परिवार पाल रहे हैं, अब तो बाल बच्चेदार भी हो गए हैं, एक लड़का लड़की हो गई। हमारी तरफ से शुभकामनाएं तुम्हारे बच्चों को। थैंक यू सो मच। और दोस्तों मुझे तो आपने फिल्मों में देखा ही होगा, जैसे दंगल में आमिर का बाप हूँ, सुल्तान में सलमान का स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ, अभी मेरी भूल भुलैया 2 आई थी उसमें गाँव का मुखिया हूँ। ऐसे मैंने 24 अपनी हिंदी फिल्में कर ली हैं, काफी टीवी सीरियल आपने देखा ही होगा, बालिका वधू, इस देश में आना लाडो वगैरह वगैरह। अब मेरी एक फिल्म आ रही है रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ, जिसमें आलिया भट्ट का दादा हूँ। फिल्म का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, अभी रिलीज पे है वो, थोड़े दिन में जनवरी 23 में आ जाएगी वो फिल्म। काफी फिल्में आ रही हैं और वेब सीरीज अभी मेरी लग ऑन एयर है एल लग गए, तो वो देख के बहुत कॉमेडी है, आपको मजा आएगा वो देख। कौन से ऐप पर? सिने प्राइम ऐप पर। और बाकी मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार, अशोक को हमारी तरफ से आशीर्वाद शुभकामनाएं। गंगानगर से आए हैं और एक्टर हैं, थिएटर करते हैं, साथ में नोटों के लिए वो मेडिकल का काम भी करते हैं, और जो हमारे वीडियो बना रहे हैं वो भी एक्टर ही हैं। नाम क्या भाई का? रिंकू भाई हैं, ये भी गंगानगर के ही हैं आपके। या स्ट्रगल कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और कुछ बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कामयाब जरूर होंगे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरे राजस्थान से गंगानगर के तीन तीन भाई मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आए हैं। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और भगवान करे बस मेरे राजस्थान के लोग मुझसे मिलते रहे, मुझसे प्यार करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर तुमने सुना, बहुत अच्छा लगा और ये तो सर का बड़प्पन है जो हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं, हम इसे लायक नहीं लेकिन सर का बड़प्पन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
भी अब मिलकर आए हैं, एक शानदार एक्टर, बहुत अच्छे इंसान करमवीर चौधरी जी। बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के, मतलब मैं बहुत सालों बाद उनसे मिला हूँ, मतलब मजा आ गया। अभी हम जा रहे हैं हाजी अली, हाजी अली नहीं मालूम, चलो दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम महालक्ष्मी स्टेशन पर उतर कर वैन में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हाजी अली। क्यों बशीर हाजी अली? यस हाजी अली और महालक्ष्मी, और उसके बाद हम जाएंगे महालक्ष्मी टेंपल में। दोस्तों अब हम हाजी अली जाने से पहले हम महालक्ष्मी टेंपल जा रहे हैं, तो चलिए पहले आपको महालक्ष्मी दिखाते हैं, इसके बाद फिर हाजी अली। दोनों पास पास में ही है। देखिए हम इस वक्त महालक्ष्मी मंदिर में जाने के लिए लाइन में खड़े हैं और मेरे साथ में है अभिषेक बच्चन जो गंगानगर से आए हैं, और माता के चरणों में अर्पित करने के लिए हमने कमल के फूल लिए। अभिषेक जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें यहाँ लाइन में खड़े होकर। हमें लगता है कि मैं काफ़ी देर मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, माता के दर्शन करके ही जाएंगे। दोस्तों मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा क्लिप बनाया आप लोगों के लिए। दोस्तों हम माता के दर्शन करके अब मंदिर से बाहर आ चुके, अब हम जा रहे हैं हाजी अली की तरफ। तो दोस्तों हम लोग हाजी अली पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं ये है हाजी अली का मेन गेट। अबे हम तो वो खरीदना है, समझ नहीं रहे बात। ये है दोस्तों हाजी अली टेंपल। दोस्तों अभी हम हाजी अली से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं मरीन ड्राइव की तरफ। दोस्तों आप जो ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये मुकेश अंबानी की एंटीलिया है, बहुत शानदार इमारत है। तो दोस्तों हम हाजी अली से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे थे मरीन ड्राइव की तरफ, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि यहाँ मरीन ड्राइव के पास में तारापुर एक्वेरियम भी है, तो मैंने अभिषेक को बताया भाई तारापुर एक्वेरियम में यहाँ चलना है, तो भैया बंदा फटाफट तैयार हो गया, हाँ चलो यार चलो तारापुर एक्वेरियम चलते हैं। लेकिन मैंने इसको बताया कि वहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो हम आपको जो अंदर का जो दृश्य है वो नहीं दिखा पाएंगे। तो अभिषेक कहता चलो अपने तो देख ही सकते हैं, तो इसीलिए फिर हम पहले जा रहे हैं तारापुर एक्वेरियम और उसके बाद फिर हम जाएंगे मरीन ड्राइव। दोस्तों तारापुर वाला मत्स्यालय बंद आहे, आई मीन तारापुर वाला एक्वेरियम इज क्लोज।
दोस्तों ये है तारापुर एक्वेरियम का फ्रंट व्यू, और सामने सड़क पर कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से ये बंद है। तो इस वक्त हम आ चुके हैं गिरगांव चौपाटी। मरीन ड्राइव का जो रास्ता था वो ब्लॉक था, वहाँ पर काम कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से हमको गिरगांव चौपाटी आना पड़ा। चलिए आज आप गिरगांव चौपाटी के नज़ारे लीजिए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं गिरगांव चौपाटी का नज़ारा। अब आपको समुंदर भी शायद दिखाई दे रहा होगा और पीछे नीला आकाश। तो अभी हम अंधेरी स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और हम जा रहे हैं अपने घर की ओर, और बंगलों